नई न्यूज अवर के साथ मैं हूं फिजा काजमी। हाल ही में मध्य प्रदेश की राजनीति में सरगर्मियां इसलिए तेज हो गई हैं जब से कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय ने सामने आकर राम मंदिर के लिए पीएम मोदी के पर्सनल अकाउंट में चंदे के पैसे ट्रांसफर किए हैं। जहां दिग्गज राजा ने मंदिर के लिए चंदे के पैसे दिए तो वहीं सरकार की कार्यशैली पर आरोप भी लगाए। दिग्विजय ने मोदी सरकार को चंदे के पैसे का हिसाब जनता के बीच देने को कहा है। इसी कड़ी में बीजेपी के कद्दावर नेता उमा भारती ने दिग्विजय को ही आड़े हाथों ले लिया है। पहले तो उमा भारती ने दिग्विजय की तारीफ की, फिर सवालिया अंदाज में निशाना भी साधा। तो दिग्विजय को लेकर क्या कुछ बोली बीजेपी की नेता उमा भारती, इस रिपोर्ट में देखिए। हाल ही में मध्य प्रदेश की राजनीति में सरगर्मी इसलिए तेज हो गई जब कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय ने सामने आकर राम मंदिर के लिए पीएम मोदी के पर्सनल अकाउंट में चंदे के पैसे डाले थे। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रह चुकी उमा भारती ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को एक बार फिर अपने निशाने पर ले लिया है। हाल ही में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए जमा किए जा रहे चंदे का हिसाब मांगे जाने की बात पर उमा भारती ने दिग्विजय सिंह को बेलगाम जुबान का नेता बता दिया है। पार्टी की फायर ब्रांड नेता मानी जाने वाली वरिष्ठ बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा है कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की जुबान ही उनकी दुश्मन है और इस वजह से अपनी पार्टी कांग्रेस में बड़े नेता नहीं बन सके। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान उमा भारती ने दिग्विजय सिंह के बारे में कहा कि वो पढ़े लिखे नेता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। वो कांग्रेस में वो जगह नहीं बना सके जिसे वो बना सकते थे क्योंकि उनका मुंह उनके नियंत्रण में नहीं रहा है। उमा भारती ने कहा कि वो अभी जहां हैं इससे अधिक बेहतर हो सकते थे। हालांकि इस दौरान उमा भारती ने दिग्विजय की तारीफ भी की और उनके साथ अपने संबंधों की भी चर्चा की। उमा ने कहा कि दिग्विजय को 8 साल की उम्र से जानती हैं। उमा भारती ने कहा कि दिग्विजय सिंह राजनीति में खूब आगे बढ़े और कांग्रेस के कद्दावर नेता भी बने, लेकिन अपनी पार्टी में भी वो हैसियत नहीं हासिल कर सके जिसके वो हकदार थे। अब जहां उमा भारती ने पहले दिग्विजय को आड़े हाथों लिया, वहीं उनकी तारीफ भी करती नजर आई। लेकिन अब देखना होगा कि दिग्गज राजा की ओर से इस मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।